ओके क्लास, एक्सरसाइज 1.3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास ए दिया हुआ है 5, 6, 7, बी दिया हुआ है 6, 7, 8 और सी दिया हुआ है 7, 8, 9। तो हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी ये हमें फाइंड करना है थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमारे पास ग्राफिकल डायग्राम है जिसे आपने ड्रॉ करके बताना है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ब्रैकेट में आपके पास क्या है, बी यूनियन सी। तो आप बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। देख सकते हैं बी क्या है 6, 7, 8 और सी क्या है 7, 8, 9। तो हमारे पास यूनियन में तमाम एलिमेंट्स को एक साथ लिखते हैं, तो 6, 7, 8, 9 ये आपके पास एक साथ लिखे जाएंगे। इसके बाद देख सकते हैं मैंने बीच में 7 और 8 लिखा हुआ है, ठीक है। शुरू में हमारे पास एक सर्कल बना है, वो ए है, दूसरा सर्कल बी है, सॉरी पहला सर्कल बी है, दूसरा सर्कल सी है हमारे पास, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो कॉमन है वो 7 और 8 है। बी और सी में क्या है 7 और 8 है। तो यहाँ आपको क्या करना है, कॉमन को बीच में लिख देना, सेंट्रलाइज कर देंगे। और ए बी में रिमेनिंग क्या है 6 और सी में रिमेनिंग क्या है 9। ये आपके पास आ गए बी यूनियन सी के वेन डायग्राम। अच्छा, इधर लाइन लगाया गया, इसका मतलब तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो बी यूनियन सी का आंसर क्या है 6, 7, 8, 9 और ए के एलिमेंट्स क्या है 5, 6, 7। तो यूनियन करना है, यूनियन का मतलब इत्तेहाद कर देना, आपने तमाम एलिमेंट्स को एक साथ करके लिखना है 5, 6, 7, 8, 9 तमाम एलिमेंट्स लिख देंगे। अच्छा, अब डायग्राम बनाने का तरीका क्या है, गौर से सुनिएगा डायग्राम, इसके बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम बनाएंगे किस तरीके से। सबसे पहले तो आप ये देखें कि तीनों में ए बी और सी में कॉमन क्या है। तो देखते हैं यहाँ पे 7, 7 और 7। तो ए बी और सी तीन सर्कल बनाएंगे, ठीक है, तीन सर्कल बना दिए। तीनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 7, तो 7 लिख दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब देखें ए और बी में क्या है। ए और बी, ए में देखें 5 है, नहीं 6 है, हाँ 6 यहाँ पर मौजूद है, 7 भी है। तो ए और बी में क्या मौजूद है 6 और 7, तो 7 तो हमने लिख दिया, क्या बचेगा 6। तो हम 6 भी क्या करेंगे ए और बी के सर्कल में लिखेंगे, यानी ए और बी के जो हमारे पास सर्कल जो मिल रहे हैं उसमें क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब दूसरी बारी है बी सी की। तो बी सी में हमारे पास क्या है, बी सी में आप देख सकते हैं 6, 7, 8 और 7, 8, 9। तो बी और सी में कॉमन क्या है 7, 8 और 7, 8। तो 7, 8 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास 7, 8 देखते हैं, 7 तो हमने लिख दिया, 8 हमारे पास आ रहा है सी बी और सी में। तो बीच में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया। अब ए और सी में भी चेक करेंगे, ए में क्या है 5, 6, 7, इधर क्या है 7, 8, 9, लेकिन 7 कॉमन आ रहा है, हम 7 लिख चुके हैं, इसके अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 7 लिख देना है जो कि सेंट्रलाइज है, बाकी और कोई एलिमेंट कॉमन हमारे पास नहीं आ रहा। इसका मैंने क्वेश्चन पार्ट 1 कर दिया है, क्वेश्चन में 1 का, इसका पार्ट 2 आप खुद से कॉपी में सॉल्व करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 1.3 में ये दो सवाल ही करने थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।